दोस्तों आईपीएल 2021 का सेकेंड फेज 19 सितंबर से शुरू होने वाली है और 10 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर इसका फाइनल मुकाबला खेली जाएगी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई डबल हेडर मैचेस की संख्या कम करने के लिए आईपीएल के डेट्स कुछ दिन और एक्सटेंड के बारे में प्लानिंग कर रही है, लेकिन दोस्तों आईसीसी इसको लेकर राजी नहीं है, बीसीसीआई को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो इन सभी बातों को साइड में रखते हुए आप लोगों को बता दूं, बहुत ही चांसेस है केके टीम कप्तान योन मॉर्गन आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज मिस करने वाले है और केके टीम को बाकी आधा सीजन के लिए एक नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। तो कौन बनेगा नया कप्तान, कौन कर सकता है केके टीम की कप्तानी, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं आईपीएल और क्रिकेट रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि एक भी वीडियो सब मिस ना कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी में यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने काफी सारे प्लेयर्स को आईपीएल 2021 की सेकेंड फेज खेलने के लिए एनओसी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड टीम का काफी सारे टी20 मैचेस का शेड्यूल उस समय ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इंग्लैंड प्लेयर्स के ना खेलने से सभी टीमों को होने वाला है काफी बड़ा लॉस, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जिस टीम को होने वाली है वो है केकेआर की टीम। जी हां दोस्तों, केकेआर टीम आईपीएल 2020 में दिनेश कार्तिक को हटाकर योन मॉर्गन को कप्तान बनाई थी, लेकिन अब आईपीएल 2021 की बाकी आधा सीजन के लिए फिर से किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाना पड़ेगा। तो आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज के लिए 2 से 3 प्लेयर मौजूद है जिनको कप्तान बनाया जा सकता है। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है दिनेश कार्तिक का। जी हाँ दोस्तों, इस समय दिनेश कार्तिक कप्तान के लिए सबसे बढ़िया चॉइस होने वाला है और दिनेश कार्तिक खुद इसके लिए इंटरेस्टेड भी है। कुछ ही दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक इंटरव्यू में दिनेश कार्तिक ने बता चुके हैं अगर जरूरत पड़े तो कप्तान बनने के लिए हर वक्त तैयार है। और आपको बता दूं, दिनेश कार्तिक केके टीम को काफी अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है, जो एक टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, केके टीम विदेशी प्लेयर को कप्तान बनाने का रिक्स और नहीं लेने वाली है, क्योंकि योन मॉर्गन को इस साल बहुत ही बेकार फॉर्म में देखा गया है। ऊपर से एक विदेशी प्लेयर का स्पॉट वेस्ट जा चुका है, तो केकेआर कंफर्म रूप से भारतीय प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को कप्तान मारने वाली है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट के नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं, क्रिकेट और आईपीएल रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस के लिए आप मेरा दूसरा चैनल क्रिकेट प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्लेयर है वह है दोस्तों शुभमन गिल। मुझे पता है शुभमन गिल ने इस साल केकेआर फैंस को काफी ज्यादा निराश किया है और फैंस उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों असली बात तो यह है, शुभमन गिल को लेकर केकेआर फ्यूचर प्लानिंग कर रही है और आईपीएल 2022 के लिए रिटेन भी करने वाली है। तो दोस्तों अगर शुभमन गिल को फ्यूचर में कप्तान बनाने के बारे में केकेआर अभी से प्लानिंग कर रही है तो नो डाउट आईपीएल 2021 में उनको कप्तान बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल को टेस्ट करने के लिए इससे बढ़िया अच्छा मौका नहीं मिलेगा और शुभमन गिल पहले भी जूनियर टीम का कप्तानी कर चुके हैं, तो कप्तानी करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से ही बन चुका है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से डीके या गिल किसको कप्तान बनना चाहिए। अब दोस्तों कुछ और प्लेयर्स के बारे में बात करें जिनको उपकप्तान बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो नीतीश राणा उपकप्तान के लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। नेक्स्ट इस लिस्ट में आंद्रे रसेल का नाम आता है, उसके बाद सुनील नारिन भी उपकप्तान के लिए एक बढ़िया चॉइस होने वाला है। और दोस्तों बाकी बचे हुए प्लेयर्स में से मेरे को नहीं लगता केकेआर किसी और प्लेयर के बारे में सोचने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके हिसाब से किसको कप्तान बनाना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपका राय भी काफी मायने रखता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।